आ गए आप लोग, एक सेकेंड। अरे गाने की थोड़ी ज़्यादा फील में चला गया था। हेलो नमस्ते सस्तकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रेवअप सोल्स। एक्चुअली रेवअप सोल्स नहीं, आज है कुछ डिफरेंट, रेवअप टेक। हम लोग आज टेक की वीडियो बनाएंगे, जो कि हम लोग एक भाई प्रियांशु की कभी बाइक ख़राब हो जाती है, कभी वो धक्के मारता रहता है, अब उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, मतलब सब कुछ ख़राब है। वैसे इसने 4 साल ये फ़ोन चलाया है इसने, और अब इसके फ़ोन ने जवाब दे दिया है, मर चुका है ये फ़ोन। आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग के फ़ोन की, जो प्रियांशु का वैसे तो ऑर्डर करा था तो वो मिल नहीं रहा था, हमने 3 दिन उस पर लगातार नज़र रखी थी, तब जाके वो फ़ोन हमें मिला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो कैसे हैं आप लोग? देरी के क्या सुन, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग। तो ये है हमारे पास एक पैकेज, इसके अंदर है 22,000 रुपये का सामान। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर अनबॉक्सिंग के तरीके से नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। इसको हम लोग, बाइक का चैनल है रेवअप सोल्स, लेकिन टेक की वीडियो बना रहे हैं तो भी तेज़ी से बनाएंगे, तेज़ी। चाकू कहाँ है? चाकू अबे यहाँ कौन रखता है चाकू भाई, खतरनाक चीज़ है, जादू देखो जादू। ये हमारे पास आ गया हमारा हथियार अनबॉक्सिंग का, इस पर थोड़ी सी सब्जी लगी हुई है, पर कोई नहीं, आ जाओ। सैमसंग ने एक स्टैंडर्ड चार्जर दिया है, 25 वॉट का है, ये बहुत बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। और इसके साथ मिलेगी हमें डाटा केबल, हेडफोन वगैरह कुछ है नहीं, और फ़ोन के डब्बे के अंदर चार्जर और डाटा केबल होती है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 12 के अंदर चार्जर और डाटा केबल तो मिल जाएगी, लेकिन चार्जर नहीं मिलेगा। तो ये सब हम लोग फालतू की चीज़ें रखते हैं साइड में। ये है सिम इजेक्टर टूल, ये किसी काम का नहीं है, एक ही सिम डालो और निकालो। ये डब्बा खाली, इसके अंदर कुछ नहीं, अब ये पड़ा रहेगा, निकालो भाई, ये तो काम का है, इसके पैसे दे रखे हैं भाई। इसको थोड़ा पास से दिखाएंगे, पास से इसकी पन्नी उतारेंगे। तो ये रहा हमारे सामने नया फोन, और अब हम इसको करेंगे चालू, थोड़ा टेक बर्नर के स्टाइल में करें। किसी और का है भाई, मेरा नहीं है। इसके पीछे हैं 4 कैमरे, 1, 2, 3, 4, और ये है फ्लैश लाइट। यहाँ पे है नॉइस रिडक्शन के लिए माइक्रोफोन, छेदों की कमी छोड़ी नहीं है इन्होंने। और ये है एक हेडफोन जैक, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, एक स्टैंडर्ड माइक, और ये है इसके स्पीकर्स। साइड में हमें मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स के बटन। ये साइड इन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ी है, इसके अंदर खाली एक छेद है, छेदों की तो कमी ही नहीं है, एक छेद दिया है। ये है सिम इजेक्टर टूल। एकदम प्रीमियम है, बैक पे इसके प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रीमियम फील वाला फ़ोन है, बजट फ़ोन ये लग ही नहीं रहा है, इसकी फील इतनी अच्छी है। Let's go. फोन का हो गया सेटअप, पासवर्ड भूल गए थे प्रियांश भाई, और ये पासवर्ड भूलने की बहुत पुरानी बीमारी है, 2 फेसबुक की आईडी, 2 इंस्टाग्राम की आईडी, सबसे पहले हम लोग सुनेंगे गाना। आवाज सुनेंगे गाने। अरे भाई चने उबल गए तो निकालो भाई, खाली कुकर
फोन का मेन्यू दोनों तरफ से खुल जाता है, ऊपर नीचे आलसी लोगों के लिए, प्रियांशु के लिए बहुत सही है। जैसे मैंने स्वाइप ऊपर किया तब भी खुल रहा है, नीचे किया तब भी खुल रहा है। नोटिफिकेशन यहाँ से खुलेगा, वन हैंडेड यूज़ करने के लिए बहुत सही है। नोटिफिकेशन सारा, मतलब जितना भी पैनल है वो सारा नीचे की तरफ कर रखा है इन्होंने। सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादा ब्लॉटवेयर कुछ है नहीं इसके अंदर, फ़ोन के अंदर खाली सैमसंग की दो चार ऐप हैं, उसके अलावा एक स्नैपचैट है और एक डेली हंट है। और तो कैमरा हम लोग खोल के देख लेते हैं कैमरे का इंटरफेस कैसा है। एक वाइड है और एक नॉर्मल लेंस है, इस तरीके से देखते हैं। ये वाइड एंगल है, सिंगल टेक एक बहुत अच्छा फीचर है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग, अरे सिंगल टेक के बारे में हम लोग जब पूरा इन डेप्थ रिव्यू करेंगे तब करेंगे। इसके अलावा इसमें पैनोरामा मैक्रो प्रो है, स्लो मोशन है और हाइपरलैप्स इसका सैमसंग का बहुत बढ़िया है। तो जूम के बारे में, जूम होता है वाइड सेल्फी भी है, बहुत बढ़िया वाइड सेल्फी, बहुत ज़रूरी होता है, वाइड सेल्फी किसी में नहीं मिलता। और अब हम इसको चेंज करते हैं फ्रंट में, इसके अंदर पबजी डाल के हम लोग देखेंगे। बाकी सैमसंग के फ़ोन की फील बहुत अच्छी है, लेकिन ये पूरा फिंगरप्रिंट पूरा कैच कर रहा है, पूरा आपको दिख रहा होगा। तो बिना कवर के तो काम चलेगा नहीं, साइड में फिंगरप्रिंट दे रखा है। कैमरे वगैरह के हम लोग सब चीज़ें इन डेप्थ बात करेंगे अगली वीडियो में, जो कि एक डेढ़ हफ्ते बाद आएगी। और इस पूरी वीडियो के अंदर एक आप लोगों को क्ल्यू मिला था, जिससे आपको पता चलेगा कि जो नेक्स्ट हम लोग फ़ोन अनबॉक्स कर सकते हैं अगर भगवान ने चाहा तो, नेक्स्ट फोन जो हम लोग कर सकते हैं वो आप कमेंट के अंदर लिखिएगा। आपको पूरी वीडियो के अंदर एक क्ल्यू दिखाई देगा कहीं ना कहीं पर, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि अगला फ़ोन कौन सा हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वॉलपेपर जो आप देख रहे हो, मतलब ये लोग है ना सैमसंग वाले, दिल के ऊपर ऐसे चाकू छुरा सब कुछ बम बम सब फेंक के मार रहे, क्योंकि यार घूमने कहीं जा नहीं पा रहे। और मतलब इस वॉलपेपर को देख के ऐसा आंसू से आने लगे जैसे हमने ही भरा हो। ये आज की वीडियो के अंदर हमने अनबॉक्स कर लिया है फोन। तो आप लोगों को कुछ नसीहत देना चाहते हैं भाई, सफाई रखो हर जगह पे, कचरा मत करो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन बहम मत पालो। हो गया क्या यहाँ अपना ही समझ रहा। आप लोग क्या देख रहे हैं, जल्दी से जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट अनबॉक्सिंग किस फोन की। I would half and I flipped it in a double. Thought it I would half and I flipped it in a double.